श्रमिता शेट्टी और करण कुंद्रा का जिस तरह से लगातार बिग बॉस सीजन 15 के घर में नाम जोड़ा जा रहा है, अब राकेश वापत का इस पर कुछ रिएक्शन सामने आया है। वेल, क्या कुछ राकेश वापत ने कहा है, क्या है पूरी अपडेट, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, मंडल सृष्टि के नाम से मौजूद हूँ। वेल, आपको बता दूँ बिग बॉस सीजन 15 के घर में हमने लगातार देखा है राखी सावंत, सलमान खान हो, सभी ने शमिता शेट्टी और करण कुंद्रा के नाम को जोड़ा है। हालांकि ये अलग बात है कि शमिता शेट्टी की तरफ से कभी कुछ नहीं रहा है, क्योंकि शमिता शेट्टी से उनकी माँ मिलने आई, बाकी कुछ कंटेस्टेंट्स भी घर से बाहर से जब घर के अंदर आए तो शमिता शेट्टी का एक ही सवाल था कि राकेश कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी के मन में कुछ भी नहीं है, ना इवन करण कुंद्रा के मन में कुछ है। लेकिन यहाँ पर राकेश वापत ने एक बड़ी बात कही है कि जब भी मैं देखता हूँ शो कि शमिता और करण के नाम को जोड़ा जाता है तो मुझे लिटरली हंसी सी आती है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में सिक्योर हो तो आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बिग बॉस का ऐसा घर होता है ना कि वहाँ पर चीज़ें जो है ऐसी उलझ जाती हैं कि आप उससे जाकर भी नहीं निकल पाते हो। और मैं शमिता शेट्टी के सिचुएशंस को काफ़ी अच्छा से समझ पा रहा हूँ, काश मैं वहाँ होता उसे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन शमिता बहुत अच्छा खेल रही है और शमिता शेट्टी एक जबरदस्त कंटेस्टेंट निकल के सामने आ रही है, और मेरे लिए तो शमिता शेट्टी ही बिग बॉस सीजन 15 की विनर है। वेल, जब राकेश वापत से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार क्या आप दोनों बाहर आकर शादी करने वाले हैं, तो राकेश वापत ने जवाब दिया कि जरूर, हम अपने रिलेशनशिप को आगे जरूर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे को वक्त देना चाहेंगे। क्योंकि OTT के बाद डायरेक्टली शमिता की एंट्री बिग बॉस सीजन 15 में हो गई, हमें ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया, मैंने एंट्री भी ली लेकिन फिर मुझे किसी कारण से बाहर आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए हैं, जिसके बाद कि हम सबसे पहले एक दूसरे को वक्त देंगे और रिलेशनशिप के बारे में आगे ज़रूर सोचेंगे। वेल, बहुत ही खूबसूरत सा रिएक्शन था राकेश वापत का। राकेश वापत बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है शमिता शेट्टी को लेकर, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है शमिता शेट्टी को लेकर राकेश वापत को, ये सबसे बड़ी बात है। आपका क्या कुछ कहना है राकेश वापत के स्टेटमेंट्स के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।